संजू सैमसन को जब टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया गया, उसके बाद जब भारत के कप्तान शिखर धवन संजू सैमसन के पास गए और उनकी पीठ थपथपाई, तब भावुक होकर वहीं पर जोर जोर से रोने लगे संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाएंगे उनके भावुक पल का वो पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्या आपके हिसाब से अब संजू सैमसन को टीम इंडिया में खेलना चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मैच खेला गया, जिसमें बारिश की वजह से खेल को रद्द कर दिया गया। कल के मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही शिखर धवन का विकेट गिरा, उसके बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव और सूर्य कुमार ने आते ही छक्कों की बारिश कर दी। सूर्य कुमार यादव की छक्कों की पारी देखकर वहां डगआउट में बैठे संजू सैमसन की आंखें नम होने लगी और वो रोने लगे। आखिर वो रोए भी क्यों ना, क्योंकि जिसके पास काबिलियत है वो बेंच पर बैठा होता है और जिसके पास काबिलियत ना हो वो हर मैच खेलता है। ये तो वही बात हो गई कि जब एक बार अमिताभ बच्चन को बोला गया था कि तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, इस वजह से हम तुम्हें एक्टिंग नहीं करने देंगे। ये तो वही बात हो गई जब लता मंगेशकर जी को कहा गया कि तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, तुम कभी गायिका नहीं बन सकती हो। और ये तो वैसी बात हो गई जब MS धोनी को बोला गया था कि तुम्हारी टेक्निक अच्छी नहीं है, और उसके बाद धोनी जैसा इस दुनिया में कोई आया ही नहीं। और संजू सैमसन के साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। खैर, उससे पहले आप संजू सैमसन के इस भावुक तस्वीर को देख लीजिए। उन्होंने पिछले मैच में 36 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद भी दूसरे ODI में इनको खेलने का मौका भी नहीं दिया गया। इस बात का झटका संजू सैमसन को तगड़ा लगा। मैच के वक्त जब बारिश हो रही थी तो भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन उनके पास गए। संजू सैमसन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन शिखर धवन उनको देखकर समझ गए कि वो खुश नहीं है, और इसके बाद उन्होंने उनके कंधे पर अपना हाथ थपथपाया, जिसके बाद संजू सैमसन इमोशनल हो गए और वहीं पर रोने लगे। उनका रोते हुए का वीडियो भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने देखा। ये तस्वीर बहुत चीजें बयान करती है दोस्तों। कप्तान ने उनको संतावना दी, उस खिलाड़ी को संतावना दी जिसको टीम इंडिया में होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और कप्तान बार बार किसी और खिलाड़ी को मौका दिए जा रहे हैं जो बार बार असमर्थ हुए जा रहा है। आखिर कप्तान को उस खिलाड़ी से कितना लगाव है? दोस्तों, हम आपको उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कौन है वो खिलाड़ी। वैसे आपको संजू सैमसन के इस भावुक वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।